लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चाओं पर अब ब्रेक लग चुका है। पीसीसी में आयोजित प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में पीसीसी के चीफ सचिन पायलट ने कहा कि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का पूरा संगठन पंचायत चुनाव में जुटेगा। पायलट ने यह भी कहा कि समय समय पर संगठन में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं का एक ही उद्देश्य है। सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मिशन में 25 में पूरी तरह से कामयाब होगी और इसके बाद संगठन का अगला लक्ष्य पंचायत चुनाव रहेगा। पायलट के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस संगठन में लोकसभा चुनाव के बाद किसी तरह का बदलाव नहीं होगा और पार्टी आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां करेगी। देश का अपमान है, महात्मा गांधी का अपमान है और ऐसे लोग जो उनके हथियारों को देशभक्त बोलने का दुस्साहस कर सकते हैं, मैं समझता हूं उनका राजनीति में कोई स्थान नहीं है और उन पर भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश आज आहत है और हम कुंठित हैं कि महात्मा गांधी जी के हत्यारे को इस प्रकार से सम्मानित करने की जो बात बोल रहे हैं, उन लोगों को इस राजनीतिक दायरे से अब बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए। भाजपा चुनाव हारेगी क्योंकि 6 चरणों के चुनाव में लगातार वो पिछड़ रहे हैं और अंतिम चरण का मतदान 19 तारीख को होगा और 23 तारीख को कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल हम मिलकर सरकार बनाएंगे देश के अंदर और हमारा जो मिशन 25 है राजस्थान का उसको हम पूरा करेंगे और उन तमाम राज्यों में जहां बीजेपी को पहले बढ़त मिली थी 5 साल पहले झूठे वादे करने के बाद, वो सब जुमले फेल हो गए हैं। भाजपा बेनकाब हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी को शानदार बढ़त इन सभी राज्यों में मिलेगी जहां हमारी सरकार बनी है, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान।